हे गाइस, वेलकम टू एचएस टेक जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शोमी की तरफ से आने वाली न्यू डिवाइस शोमी MIA 4 के बारे में। दोस्तों, ये जो डिवाइस आने वाला है ये वेस्ट होगा स्टॉक एंड्रॉइड पर, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही जो न्यू एंड्रॉइड आएगा उसका भी सपोर्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शोमी MIA 4 के बारे में पूरी की पूरी स्पेक्स की जानकारी, कि यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है और क्या स्पेक्स रहने वाली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपने दोस्तों मुझे बताना है, क्या आपने कभी स्टॉक एंड्रॉइड वाले डिवाइस का यूज किया है या नहीं किया है, तो यह मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर Xiaomi MIA 4 के बारे में, कि यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको डिस्प्ले मिलेगी वो मिलने वाली है 6.5 इंच की, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहने वाली है, जो आएगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में। साथ ही यहाँ पर आपको पंच होल देखने का मिलेगा। और दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन की, तो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं MIA 4 के बैक साइड की, तो यहाँ पर दोस्तों जो बैक पैनल रहने वाला है वो मिलेगा आपको ग्लास बैक, जो आएगा गोरिल्ला ग्लास 5 के सपोर्ट के साथ में। साथ ही आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप और ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों बात ही करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा रियर में, तो उसका जो प्राइमरी सेंसर रहने वाला है वो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। साथ में आपको मिलने वाली है ड्यूल LED फ्लैश। और अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो फिट होगा पंच होल में। साथ में दोस्तों ये आएगा स्क्रीन फ्लैश की सपोर्ट के साथ में। अब दोस्तों, अगर इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर के बारे में, दोस्तों फिलहाल जो रूमर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो MIA 4 रहने वाला है उसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730, जो आता है एड्रेनो 612 GPU के साथ में। साथ में अगर दोस्तों बात करते हैं हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलने वाला है, जो एक स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड होगा। आप दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में इसके रैम और रोम की, तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। जो फर्स्ट वेरिएंट आएगा वो आएगा 4GB रैम और 64GB रोम के साथ में, और सेकेंड वेरिएंट आने वाला है 4GB रैम और 128GB रोम के साथ में, और थर्ड वेरिएंट आने वाला है 6GB रैम और 128GB रोम के साथ में। साथ में आपको यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके बाद में इसकी बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों जो MIA 4 आने वाला है इसमें आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जो आएगी क्विक चार्ज 4 के सपोर्ट के साथ में, यानी कि यहाँ पर आपको 27 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा USB टाइप सी 3.5mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और ब्लूटूथ 5.0। अब दोस्तों, ये तो सभी बात होगी इस डिवाइस की स्पेक्स के बारे में। अगर बात करते हैं इसके लॉन्च के बारे में और प्राइस के बारे में, तो दोस्तों जो MIA 4 है ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा मई महीने के दौरान। और दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इंडिया में इसका प्राइस अराउंड 13,000 से लेकर 15,000 रुपये के आसपास ही रहने वाला है। अब दोस्तों, आप मुझे कमेंट बताइएगा क्या आप इस डिवाइस को बाय करेंगे या नहीं।